रमैनी 57 कृतिया सूत्र लोक एक अहि लाख 50 की आयु कही विद्या वेद पढ़े पुनि सोई वचन कहत प्रत्यक्षय होई पैठी बात विद्या की पेटा वाहुक भरम भया संकेता खग खोजन को तुम परे पाछे अगम अपार बिन परिचय कस जानी हो कबीर झूठा है हंकार। कृतिया सुत कृतिया कृत्रिम बनावटी नकली सूत्र सूत्र का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ को बता देने वाली वाणी। सूत्र ग्रंथ होते हैं जिसमें सूत्र में छोटे छोटे वाक्य लिखे होते हैं लेकिन उनका अर्थ बड़ा गंभीर होता है विशद होता है। यहाँ सूत्र का अर्थ वाणी है। तो कृतिया सूत्र लोक एक अहि कबीर साहब कहते हैं कि नाना मत के धर्म ग्रंथों की कृत्रिम वाणियों में यह लिखा गया है कि ऊपर आकाश में एक स्वर्ग लोक है लाख 50 की आयु कही जहाँ रहने वाले की उम्र 50 लाख वर्ष की होती है। दुनिया के अधिकतम मतों ने इस धरती से अलग स्वर्ग और नरक की कल्पना की है। और ये कहा है कि जो पापी लोग होते हैं वे नरक में जाते हैं और जो पुण्यात्मा होते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। और खाली पाप पुण्य की ही बात नहीं यह भी कहा गया कि जो हमारे भगवान को हमारी परंपरा को हमारे धर्म ग्रंथ को ईश्वरी मानता है और उनको स्वर्ग का रास्ता मानता है वही स्वर्ग में जाएंगे बाकी सब नरक में जाएंगे। खैर जो भी हो धरती से अलग एक स्वर्ग माना गया परंतु है यह सिर्फ कल्पना। ऊपर आकाश में कहीं कोई ऐसा लोक नहीं है नरक लोक या स्वर्ग लोक जहां मरने के बाद जीव जाता हो। इस धरती में इस जीवन में मनुष्य की कामनाएं पूरी नहीं होती। जैसा भोग चाहिए वैसा भोग नहीं मिल पाता उसमें अनेक विघ्न होते हैं। और जैसा भोग कहीं पर मिल भी गए तो जैसा चाहिए वैसा भोग नहीं पाता। शरीर दुर्बल हो जाता है समय से बीमार हो जाता है इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं बहुत लंबे समय तक आदमी के जीने की कामना होती है वह कामना पूरी नहीं होती है। 100 वर्ष के भीतर अधिकतम लोग मर जाते हैं। तो जितनी कमियां हैं
ये जीते जी पूरी होती नहीं है। तो आदमी ने एक व्यवस्था की कि मरने के बाद ये कमियां पूरी हो जाएगी, जब स्वर्ग में जाएंगे तब। स्वर्ग में जो लोग रहते हैं वे कभी बीमार नहीं पड़ते, उनका शरीर कभी दुर्बल नहीं होता, इंद्रियां कभी शिथिल नहीं होती, जवानी स्थिर रहती है और भोग पदार्थ मन चाहे प्राप्त रहते हैं, वहाँ भोग पदार्थ कभी घटते नहीं हैं, जितना चाहो जब चाहो जैसा चाहो उस ढंग से नाना भोगों को भोग सकते हो। जैसे इस धरती में कभी कभी ऐसी ठंड पड़ती है कि सहन करना मुश्किल होता है, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, कभी ऐसी गर्मी पड़ती है उसे भी सहन करना मुश्किल होता है, घर के अंदर छिपकर रहना पड़ता है। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, न अधिक ठंडी न अधिक गर्मी, सब वहाँ पर संतुलित है। और वहाँ जो जाते हैं वे लाखों लाखों साल तक जीवित रहते हैं और लाखों साल तक वहाँ रहकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। स्वर्ग में कोई बालक नहीं है, स्वर्ग में कोई बूढ़ा भी नहीं है, क्योंकि बालक और बूढ़े स्वर्ग सुख भोगेंगे कैसे हैं, भोग तो होता है जवानी में, इसलिए वहाँ पर बालक और बूढ़े नहीं जाते। जो यहाँ मरे वो सीधे जवान होकर ही पैदा होते हैं, स्वर्ग में पहुँचते हैं। स्वर्ग में ये सब कल्पना क्यों की गई है, ये सब कल्पना की बात, यथार्थता ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले जैसे कहा गया, इस जीवन में धरती में आदमी की कामनाएं पूरी नहीं होती है, चाहे कितना कोई धनवान से धनवान हो, कितना कोई बलवान से बलवान हो, किसी की कामना पूरी नहीं हुई है, कोई इच्छा भर भोग भोग नहीं सका है, चाहते हुए भी भोगों से रुकना पड़ता है, हटना पड़ता है, नहीं चाहने पर भी रोग आ जाता है। तब कह दिया गया कि ये सब स्वर्ग में स्थायी रूप से प्राप्त होते हैं, और स्वर्ग में जो भोग माने गए हैं वो भी क्या हैं, उनको बहुत बढ़ाकर ये कहा गया है, इतना उसका वर्णन किया गया, ऐसी महिमा की गई है कि हद हो गई है। लेकिन स्वर्ग में माने गए जितने भोग हैं वे सभी धरती के भोग से कुछ अलग नहीं हैं, लेकिन मनुष्य का भोगी मन थोड़े में रुकना नहीं चाहता, सब कुछ अपने अनुकूल और हर समय प्राप्त करना चाहता है। तो अपने इन्हीं अपूर्ण कल्पनाओं को मूर्त रूप देकर उसके आदमी ने स्वर्ग की कल्पना की है। यहाँ साहब कहते हैं कि त्या सूत्र लोक एक अही लाख पचास की आयु कही, नाना मतों के धर्म ग्रंथों में यह कल्पित वाणी लिखी गई है कि धरती से अलग कहीं एक स्वर्ग लोक है जहाँ रहने वालों की उम्र 50 लाख, 50 लाख एक कहने का तरीका है, बहुत लंबे लंबे समय तक उनकी उम्र होती है, और यह भारतीय स्वर्ग की ही बात है। भारत में पैदा होने वाले जितने मत हैं
चाहे श्रवण परंपरा के हों, चाहे वे ब्राह्मण परंपरा के हो, सभी यह मानते हैं कि चाहे जितने समय तक स्वर्ग में जीव को रहना पड़े, जब उनका पुण्य छीन हो जाता है तब वहां से फिर धरती पर आकर जन्म लेना पड़ता है। भारतीय स्वर्ग में स्थायी व्यवस्था नहीं है, चाहे लाख करोड़ दो करोड़ दस करोड़ तक रहना पड़े, लेकिन अंत में उसे वहाँ रहने वाले धरती पर आकर के जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुण्य तब तक वहाँ रहेगा, पुण्य खत्म हुआ फिर वहाँ से ढकेल दिए जाते हैं, गिरते पड़ते बेचारे फिर धरती पर आ जाते हैं। लेकिन विदेशी स्वर्ग में, भारत से बाहर के जो स्वर्ग हैं, या ऐसे मत जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं, जैसे कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम, वहाँ का स्वर्ग शाश्वत होता है। जो एक बार स्वर्ग में गया वो सदा काल के लिए गया, फिर उसे धरती पर कभी नहीं आना है। नरक में गया वो भी सदा काल के लिए नरक में ही गया, परिवर्तन वहाँ नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ भी जो भोग माने गए हैं वे भी भारतीय मत के अनुसार ही है, उनमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। और है वे कल्पना, भारत के स्वर्ग में यहाँ जो कल्पना की गई स्वर्ग की, उसमें ये नहीं कहा गया है कि वहाँ पर बड़े बड़े बाग होंगे, बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी, लेकिन इस्लाम के स्वर्ग में कहा गया, क्योंकि इस्लाम का स्वर्ग की कल्पना हुई है अरब में, वहाँ बाग नहीं होते, नदियाँ नहीं होती, तो उनकी वहाँ व्यवस्था कर लेगा। भारत में तो पहले बड़े बड़े बाग रहते थे, जब जिसमें स्वर्ग कल्पना हुई उसमें तो जंगले जंगल थे, अब फल फूल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर नहीं कहा गया कि वहाँ खूब जाकर जाओगे तो खूब फल खाओगे और गंगा में रोज नहाओगे, नदियाँ की यहाँ तो खूब है पानी की व्यवस्था, वहाँ पसीना नहीं निकलना है तो नहाना क्या, टट्टी पेशाब भी नहीं जाना है, टट्टी गए तो वहाँ पर सूत लग गया, पेशाब गए तो सूत लग गए, टट्टी पेशाब लगेगा ही नहीं, टट्टी पेशाब होना ही नहीं है, खाओ चाहे जितना, पसीना निकलना नहीं है तो फिर न टट्टी न पेशाब न पसीना, तो नहाने की क्या जरूरत है फिर, इसलिए पानी की भी जरूरत नहीं है वहां पर। लेकिन है साहब ये केवल कल्पना, कल्पना साहब उसी की बात करते हैं, जो तुम स्वर्ग की बात कहते हो वह सिर्फ कल्पना की चीज है, यथार्थता नहीं है। विद्या वेद पढ़े पुण्य सोई, वचन कहत प्रत्यक्षे होई। लोग ऐसे ही धर्म ग्रंथों की कल्पित वाणियों को पढ़ पढ़ करके इस ढंग से उसका वर्णन करते हैं कि मानो अभी अभी वे स्वर्ग से लौट करके आए हैं और वहां का आंखों देखा हाल प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं। वचन कहत प्रत्यक्षे हुई, साहब कहते हैं विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, ऐसे धर्म ग्रंथों की कल्पित वाणियों को पढ़कर नाना मत के गुरु स्वर्ग का ऐसा वर्णन करते हैं कि मानो प्रत्यक्ष अभी स्वर्ग को देख करके आ रहे हैं। लोग कहते भी हैं वहां स्वर्ग में जाओगे तो ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा तुम्हारी दृष्टि इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम खुदा को देख सकोगे, तुम्हारी शरीर में ऐसी शक्ति हो जाएगी खूब। लिखा है ही और कहने वाले भी इस प्रकार से लच्छेदार भाषा में कहते हैं कि लोगों के मन में होता है कि हे भगवान कब हम भी स्वर्ग में जाएं और कब वहां का सुख भोग सकें। आदमी के मन में एक उत्कंठा पैदा हो जाती है, ललक पैदा होती है
कि हम भी स्वर्ग में जाते तो क्या पूछना। पैठी बात विद्या की पेटा, वाहुक भरम भया संकेता। ये नाना धर्म ग्रंथों की ये कल्पित बातों को सुन सुनकर जनता के मन में यही बात बैठ गई है, एकदम घर कर गई है। वाहुक भरम भया संकेता, और ये धर्मगुरुओं की बातों को सुन सुनकर, उनके इशारे से, उनके कथन से आम जनता भ्रम में पड़ गई है। सबके पास कहाँ इतना विवेक है कि वे इस बात पर विचार कर सकें, छानबीन कर सकें, जो बात कही जा रही है वो केवल महिमा की बात है कि यथार्थता है। आम जनता तो यह समझती है धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, और संत महात्मा पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी गुरु जो कह रहे हैं वे सही ही कहते होंगे, और जो लिखा है वो सब सही होगा। आखिर धर्म ग्रंथों में, बड़ी बड़ी पोथियों में झूठी बात क्यों लिखी जाएगी? पुरोहितों का, पंडितों का, मुल्ला मौलवियों का, गुरुओं का कौन सा स्वार्थ है कि वे झूठी बात बताएंगे? ये तो सही बात बताएंगे। और धर्म ग्रंथ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिखे हुए हैं, ताकि तपस्वी के लिखे हुए हैं, वे झूठ क्यों लिखेंगे? बस जनता के मन में यह भ्रम घर कर गई। अब ही कल्पित स्वर्ग और देवी देवादि की बात उनके मन में भीतर गहराई तक गड़ गई है। अब कहीं जाकर के कहो इसका खंडन करो तो लोग कहेंगे ये धर्म का खंडन कर रहे हैं, देव देवता का खंडन कर रहे हैं, ये नास्तिक है। क्योंकि बड़ी गहराई तक ये कल्पित बातें आदमी के मन में घुस गई है, और सब लोग भ्रम में पड़ गए हैं। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। साकत तुम खग खोजन को पड़े, स्वर्ग रूपी कल्पना के पक्षी को खोजने के चक्कर में तुम पड़े हुए हो। पाछे अगम अपार, जिसके पीछे नाना मत के पुरोहितों ने अगम अपार वाणियां कही है। जैसे जैसे आकाश में पक्षी के उड़ने पर उसका कोई एक रास्ता नहीं बनता, कोई चिन्ह नहीं बनता, कोई लकीर नहीं बनती कि उस लकीर के सहारे आप भी वैसे चल सकें, ऐसे ही ऊपर आकाश में कोई ऐसा स्वर्ग नहीं है कि जो नाना मत के जो गुरु बता रहे हैं उस रास्ते पर चल करके आप स्वर्ग तक पहुंच सकें। लेकिन उसके लिए अगम अपार वाणी कही गई है, चाहे जिस मत में जाओ, ऐसा काम करोगे स्वर्ग जाओगे, ऐसा काम करोगे स्वर्ग जाओगे, बड़ी महिमा है। साहब कहते हैं ये जो तुम्हारा माना हुआ स्वर्ग है ये कल्पना का पक्षी है, उसे खोज करके तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। बिन परिचय कह जानी हो, लेकिन साहब कहते हैं बिना वास्तविकता की परख किए, बिना विवेक किए तुम इसे जानोगे कैसे? परख करो, विवेक करो, तभी स्वर्ग की वास्तविकता का पता चल पाएगा कि यह केवल कल्पना ही कल्पना है, यथार्थता नहीं है। कबीर झूठा है अहंकार, साहब कहते हैं तुम्हारे स्वर्ग का अहंकार झूठा है। और ये जो कहते हो कि हमारे मत वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, एकदम झूठा अहंकार है। नानावती गुरुओं को कितना अहंकार है, वो बहुत बड़ी विविध सभाओं में यही कहते हैं हमारे मत वाले ही स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सब नरक में जाएंगे। साक्षी तो ये तुम्हें स्वर्ग जाने का अहंकार है, ये झूठा है, ऐसा स्वर्ग कहीं है नहीं। पवित्र कर्म, पवित्र संस्कार, अच्छी समझ, मन में संतोष,
और आत्म शांत यदि है तो आज ही स्वर्ग है। जो इन जिनके जीवन में अच्छे संस्कार हैं, अच्छे कर्म हैं, मन में संतोष और शांति है, वह आज स्वर्ग में जी रहा है, उसके लिए सब समय स्वर्ग ही स्वर्ग है। और जिसके जीवन में न पवित्र संस्कार है, न पवित्र कर्म है, न अच्छी समझ है, न संतोष है, न शांति है, चाहे वह उसे जो मिला हो नरक में ही वह जी रहा है। तो साहब कहते हैं यदि ऐसा पवित्र कर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, समझ नहीं है, मन में संतोष और शांति नहीं है, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, तुम झूठे ही स्वर्ग का अहंकार कर रहे हो। इसलिए कल्पना के स्वर्ग के पीछे मत पड़ो। आज अपने वर्तमान को स्वर्गमय बनाओ।